को आता है उसके लिए कि ऐसे नाम कर बेटा ये ऐसे ऐसे मैंने ये घर तोड़ के ना नया घर बनाने लगे और ये हम मैं फिर बारे फिर मुझे बहुत खुशी हो रही है। हमने पौड़ियाँ भी साथ में लगा दी, मुझे बहुत खुशी हो रही है। आज दस्त उठ उठ के चलाऊंगे मार्ड पर, मेरे पास मोबाइल है। हाँ जी ये देखिए सामान उठा के लेके जा रहे, इधर रख लिया कुछ यहाँ पर सामान उठाने के लिए जो आदमी बुलाया है ये देखे। हमारी सुना तो है नहीं, वैसे मैं इसकी वीडियो बना रही हूँ। अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों, क्या हाल चाल है? अल्लाह का शुक्र है जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मिलकर तुम अभी ठीक होंगे, जहाँ भी रहें खुश रहें, बात रहें फूलों की तरह हंसते मुस्कुराते रहें। हाँ जी ये देखे सामान उठा के लेके जा रहे मेज, ये नहीं लेकर आना, पहले कुर्सी लेकर आना। चलो कले को नहीं चुकूना। हाँ चलो तू राम ने बैया। ये जी हमने सामान उठाने के लिए जो आदमी बुलाया है ये देखे। हाँ जी ना सारी सुना ही नहीं की। हमारी सुना तो है नहीं, वैसे मैं इसकी वीडियो बना रही हूँ। हाँ जी वीडियो बना रही है मेरी। ये हमारा बहुत अच्छा बेटा है, वीडियो में कह रही हूँ वैसे नहीं अच्छा। हाँ जी ये देखे जी भाई कह रहे हैं आप क्यों जल रहे हैं, चाय पी ले। चाय पी के बैठे हैं सारी मोटरसाइकिल खोल के बैठे, आज लगता है मोटरसाइकिल की मैकेनिक कर रहे हैं। दो रूम भाई पहले खानपुर गए थे, उधर से दौरा दूरा करके तब मोटरसाइकिल खोल के बैठ गए। ये जी पंखे भी बाहर निकाल रहे हैं, दो पंखे हमारे पास पेडिस्टल, ये वाला बेगम के जहेज का है, ये वाला पंखा जो पड़ा है, और ये वाला हमने बाद में लिया था, ये भी टूट गया ऊपर से ना, टूटा हुआ ये हिलता है, इसको बनवाया भी था पिछले साल। ये देखे हिलाएं इसको आराम से, बस ठीक है। हाँ हाँ ले जाए। ये देखें जी ये सामान भी हमने निकाल लिया है सारा, इधर रख लिया कुछ यहाँ पर, ये सारा इस बैठक से निकाला, ये कही है, कही कस्सी बोलते हैं इसको, कस्सी ये भी टूटी हुई है, ये कूलर टूटा फूटा हुआ। वे बलोच क्या कर रहे हैं? हाँ इस्लामुद्दीन क्या हाल है, क्या कर रहे हैं इस्लामुद्दीन? खेल रहे हो? अच्छा क्या खेल रहे हो? ये जी हमने कर ली जी बैठक अपनी खाली, चूल्हा चूल्हा तो रखा हुआ है, ये भी उठाएंगे, ये गार्डर पड़ा हुआ है हमारे पास, ये बाबा जी बेटा जी और ऊपर क्या रखे? और भी बताता हूँ मैं बेगम, ये सामान अपना उठा लिया आप सारा, ये कुल्हाड़ा भी उठाएं, कुल्हाड़ा दे आज देखा, आज नहीं आगे के नहीं देखा, कुल्हाड़ा है ना हमारा, ये दोबारा ये दादे का है, दादे का, दादे की निशानी है। हाँ जी जी दादा वाकई किसी को नहीं देता तुम्हें। बैठक का सामान निकलवा दिया मैंने, तो आप बेगम निकाल रही है जी किचन का सामान, चूल्हे शूल्हे ये वो जो भी इधर पड़ा है, चूल्हा तो उधर रखा हुआ हमने, बर्तन शर्तन इधर पड़े थे ना, ये सामान जो सारा उठाएगी बेगम इधर से, फिर इसका बिजली का कनेक्शन वगैरह भी काटेंगे। तो हमने जी जो किचन का ये हमारे कमरे का सामान वगैरह था, और ये जो किचन में बर्तन बर्तन फजूल जो थे जिनके फालतू फालतू नहीं फजूल नहीं थे, अच्छा फालतू वो इस्तेमाल के भी वो जब मेहमान है वो इस्तेमाल के है सब चीजें। अच्छा हां जी मुझे पता नहीं था फालतू, सॉरी सॉरी जी सॉरी सॉरी हां जी सॉरी सॉरी सॉरी। अच्छा वो जो सामान जो था ना, यानी कि जो वैसे बर्तन वो बेगम इधर से संभाल लिए, और जो ये बैठक वाला सामान था ये सारा उठा के हमने भाई के घर शिफ्ट कर दिया, क्योंकि जो सामान रखने वाला था वो सारा सामान हमने उधर रख लिया, कुछ चार पाइयाँ भी रख लिया, पंखे वगैरह थे जो इसमें सामान पड़ा था ये सारा उठा के हमने उधर रख लिया। तो इंशाल्लाह कुछ कल इसको तोड़ फोड़ करेंगे इसकी, और कुछ जो है सर्दी लग रही है, मुझे सर्दी लग रही है, मैं जेब में हाथ डाल दूँ, हाथ डाल दूँ, मैंने इसलिए डाला मैं शायद आपने जेब में हाथ डाल दूँ,
तो अवैस भाई था और मैं था, रेहान था, मनाहिल थी। वो भाई नहीं है, बेटा है। वो बेटा यार भाई है। हाँ जी। भाई भाई क्यों जाता, हमारे बराबर हो गए। जो रिश्ता है वो ही रखते हैं। भाई यार बड़ा हो गया ना वो। बड़ा हो गया तो फिर बेटा ही है। अच्छा बेटा जी, चलो जी बेटा जी। हाँ अवैस बेटा था, मैं था, बेगम थी, रेहान था। हमने जी वो सामान समूह उठा के सारा भाई का रख दिया। उनको हमने कहा भी आपने ना अब हमारे सामान की रखवाली करनी है, क्योंकि जब उनका ये मकान बन रहा था ना तब मैं उनके मकान की सारे सामान की रखवाली करता था। तो मैं देखता था उधर सामान सामान गाटर शाटर जो भी होते थे वो सारे बाहर होते थे, मैं फिर उधर काम करवाया था सारा, तो मैं रखवाली करता था। अब जो है वो हमारे सामान की रखवाली करेंगे और हम काम आसानी से करेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम हफ्ते से काम शुरू करेंगे इंशाल्लाह जी, इंशाल्लाह। तो बकाया जो जैसे भी रूटीन होगी वो आपके साथ सारी शेयर करेंगे कि ये जो है ना इधर बिठाएं जी, ये जो हमने सारा इसको तोड़ फोड़ करनी है, ये पैक वगैरह भी उतर जाएगा, क्योंकि लीटर को भी हमने कुछ करना है इसका भी। ये गेट से गेट है ना, ये टूटा हुआ है यार, पिलर टूटा हुआ है, ये पिलर भी तोड़ेंगे, ये गेट निकलेगा, ये गेट निकल के यहाँ पर आएगा, इस जगह पर गेट आएगा, क्योंकि यहाँ तक जो हमारी बैठक आ जानी है, ये बैठक भी होगी, ये दुकान भी होगी हमारी। तो हमने वो जो जितना भी हमारा सामान है ना वो पंचर शंचर वाला वो सारा हमने इसमें रख देना है, क्योंकि उधर आपको गाग वगैरह नहीं आता, इधर चलो ये मोहल्ला है हमारा तो उधर से हमारा ना वो सिस्टम ठीक हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारी गाड़ी का गिराज बन जाएगा इतना, यहाँ तक बस करें बन के इधर तक। अच्छा अब आप बता देंगे, ये रोज़ 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 भाभी आती है, भाई आता है, या कोई बहन भाई मिलने के लिए आता है, ये फीता लेके रोज नाप रहे होगा अभी भी। कल भाई जाहिर को सादकाबाद से स्पेशल, वो भाई जाहिर वो है जिसके बेटे की हम शादी पे गए थे, वो मेरा कजन है, चचाजाद भाई, चचाजाद भाई है, तो माशाल्लाह जी हाफिज साहब है वो, तो उनके बच्चे भी माशाल्लाह हाफिज है, तो वो आए थे, उनको स्पेशली बुलाया इसलिए था कि मैंने तो समझ नहीं आ रही थी सीढ़ी वगैरह और ये गिराज वगैरह पे, ये देखिए क्या कर रहे हैं जी, जो कोई आता है ना उसके लेके बैठा ऐसे नापना शुरू कर देता है, ऐसे ऐसे अब ना मुझे कुछ ना कुछ तो हुआ अगर। अच्छा जी आप इधर आ जाए, आपको क्या हुआ, पानी ले आए इसका मुँह ठीक हो जाए। अच्छा पानी लेने जाते हैं, तो फिर नमाज ही पढ़नी है भाई, इसलिए आ रहे हैं नमाज पढ़ने के लिए। अच्छा चल ठीक है, मैं जा रहा हूँ पानी लेने, पानी लेके आए तो फिर उससे नमाज पढ़ने के लिए नमाज पढ़नी है। चले जी बाय बाय, अल्लाह हाफिज, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे जी, वीडियो तो ये देखिए दिखा दिखा उधर का एक दौड़ मारता जा रहा है, इसको बहुत शौक है पानी लेने जाने का, इसको मोटरसाइकिल चाहिए चलाने के लिए, कि बाबा बाबा पानी का बस मुंह ठीक हो गया इसका, पहले दिखा दे मोटरसाइकिल की वजह से मुंह लटका हुआ था, जैसे बेल तो ही लटक गया ऐसे इसका मुंह लटका हुआ था, जब इसको मोटरसाइकिल नहीं मिलता। हमारे रेहान का मना मूड जो फिर लटक गया क्योंकि अजान हो गई है मगरब की, नमाज पढ़ने के लिए जा रहे हैं, तो हमारा जी शाम का भी लोग है, तो आप भी नमाज पढ़ें, रेहान भी वजू कर रहा है, मैं भी जा रहा हूँ नमाज पढ़ने, ठीक है। मैंने जी मगरब की नमाज पढ़ ली है अब मैं, और जी बाबा ने रेहान भाई ने मोटरसाइकिल बाहर निकाल के रखा हुआ है, क्योंकि बाबा ने पानी देने जाना है, क्योंकि घर में पानी नहीं है, मुझे बहुत प्यास लगी हुई है, और जी घर में पानी भी नहीं है, थोड़ा सा है पानी जिससे हम गुजारा कर रहे हैं, अब पानी दे के आएंगे, रेहान भाई शाम से कह रहा है मैंने हमाद भाई के साथ पानी लेने जाना है, और क्योंकि कहता है मैंने ना अपना अपनी मर्जी से पढ़ सकता, ऐसे नहीं कहते हैं ना वो, मेरे भाई ऐसे नहीं कहते, वो कहते हैं हमने ना पानी लेने जाना है, और बाबा को कहते हैं ना पानी लेने जाना है, बाबा जी हमें ना मोटरसाइकिल की इजाज़त दे रहे, हम पानी ले आए, बाबा उन लोगों को जैसे इजाज़त देते हैं फिर वो पानी लेके आते हैं। ये देखें जी आज मुझे ऐसा लग रहा है जैसे का गर्म चाय किसी ने कराई हो, इतनी इधर मुझे दर्द हो रही है, मैं आपको क्या बताऊँ, मेरे ऊपर इतनी दर्द हो रही है इधर, क्या ही बताऊँ आपको, इसलिए तो मैंने अपना मुंह इतनी दर्द कर रही है, जब मैं नमाज पढ़ने लगी थी ना तब इतना मुंह दर्द कर रहा था, मैं आपको ही क्या बताऊँ, इधर मेरा इतना दर्द कर रहा है बेबी।
रेहान भाई जी नमाज पढ़ के आ चुका है। वालेकुम सलाम, क्या करके आए हो? नमाज पढ़ा है। क्या क्या पढ़ा मैंने? तो बाबा का है। बाबा फिर पानी लेने जाएंगे? नहीं जाऊंगी। मैं जाऊंगी, जाऊंगी। मैंने आपको बताया मेरे इतनी दर्द हो रही है। और जी मुझसे ना जो उनसे मेरे गाले है ना, ये देखे गाल में छाले निकल आए हैं। और जी हम है ना, मैं एक आपको खुशखबरी की बात बताऊं, क्योंकि हम है ना ये घर तोड़ के ना नया घर बनाने लगे। और जी हम मैं आपके साथ पूरी वीडियो शेयर करूंगी मैं, क्योंकि और हमारा इधर चूल्हा फर्स्ट वो जो सा उसे क्या कहते हैं, हाँ जी रख दिया इधर चूल्हा रख दिया। और जी पता नहीं बाबा नमाज पढ़ के अभी नहीं आए। और जी इधर चूल्हा रख दिया, फिर सास पांच रख दिया। अरे कहाँ कहीं कहाँ बैठक तो खाली हो चुकी है हमारी किचन, हम कल खाली करेंगे, क्योंकि कल का दिन हमें बैठना नहीं है, किचन खाली करना है। किचन खाली करके फिर ये बहुत वाले दिन हम ये काम तरवाएंगे। वो जो सी दरवाजे होंगी वो तरवाना शुरू कर देंगे, मिस्त्री तोड़ देंगे, फिर और है ना मिस्त्री बनाएंगे नई दरवाजे। फिर मुझे बहुत खुशी हो रही है, हमने पौड़ियाँ भी साथ में लगा दी, मुझे बहुत खुशी हो रही है। आज दस्तक उठ उठ के चलाऊंगे मार्ड पर, मेरे पास मोबाइल है। मुझे इतनी खुशी हो रही है, मैं आपको बता ही नहीं सकती। जब काम शुरू होगा ना तो मैं आपको वो भी दिखाऊंगी अपने हाथों से। आप मेरे पास आएंगे ना, मैं अपने हाथों से आपको रोटी भी बना के खिलाऊंगी। आप आए तो सही एक मरतबा, जब आप जब भी आपका दिल चाहे ना आप आए, फिर मैंने आपको देख भी बना के खिलाऊंगी और रोटी भी खिलाऊंगी अपने हाथों की। और नरम नरम रोटी होती है मेरे हाथों की, पराठा भी खाऊंगी फिर अपने हाथों का। और जी मम्मा आटा लेके रोटी पकाने लगी है, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। और पापा नमाज पढ़ने गए हुए हैं, रेहान भाई भी नमाज पढ़ आए, मैंने भी नमाज पढ़ ली है। देखें जी मम्मा अब रोटी पकाने लगी है। और जी मम्मा ने आज बनाया आलू गाजर और मटर बनाए हैं, और देखते हैं कौन खाता है कौन नहीं खाता। मैंने तो नहीं खानी। क्यों तूने क्यों नहीं खानी? मम्मा नहीं दिल करता मटर दाल के साथ खा लेना, दाल गरम कर दूंगी। मैं दूसरी दाल गरम करके देना कोले वाली। अच्छा कर दूंगी। ठीक है सबर सबर, अपना गुस्सा ठंडे रखे। वाह जी वाह, माशाल्लाह बेगम, आज तो आपका ये कमरा खुला खुला हो गया, सामान उठ गया, जाते सामान निकल गया सारे। सारा निकाल दिया। हाँ जी कमरा खुला हो गया। चले एक दो दिन है ये, चल ये उतार निकाल। हाँ ये ईंटें नीचे वाली ईंटें भी उतार निकालेंगे, ऊंचा करना ना इसको नीचे से। तो फिर वो जो उस पे किचन में भी तो ईंटें ही है, वो फर्श दूसरा डला हुआ ना अब ऊपर, देखेंगे कोशिश करेंगे, अगर वो उखड़ गया तो फिर उखाड़ लेंगे उसको। अच्छा। हाँ अगर नहीं तो फिर रहेगा वो नीचे ही। ठीक हो गया। हाँ ये देखें जी, ये हमने ना सारा इसको तोड़ फोड़ देना है। ये दीवारें जो है पिलर शिलर दे के मैंने बनाए हुए थे, ये देखें ये पीछे ये इधर है, ये हाथ पीछे चला गया ऐसे। चलिए बनाए फिर आप खाना। इस कमरे से हमने सामान इसलिए उठाया यहाँ से भी, ये चूल्हा वगैरह जो है ना हम इधर रखेंगे, यहाँ पे खाना शाना बनाएंगे, क्योंकि ये बेडरूम भी होगा, ये इधर चूल्हे शूल्हे का सिस्टम भी इधर ही हो जाएगा। सोफ़ा सेट वगैरह उठा के मेज उठा के हमने भाई जी मेरे के घर रखवा दिया है, क्योंकि किचन वगैरह तो हमने तोड़ना है, तो बाहर मिस्त्री काम करते होंगे क्योंकि मिस्त्री मजदूर लगे हुए हैं इधर, तो फिर जब खाना वगैरह बनाना होगा तो फिर मसला बनेगा। इसलिए फिर हमने इस कमरे में खाने वगैरह का सारा सिस्टम कर लेना है यहाँ पे इधर ही, तो सेफ्टी भी रहेगी, पर्दा भी रहेगा इंशाल्लाह, तो सारा सिस्टम भी हो जाएगा, खाने वाने का भी टेंशन नहीं होगी, कोई बच्चे जैसे मर्जी इधर बैठे अपना काम शाम खाना शाना बनाते रहें।